हसीना खेत दीवाना था, उसमें दर्शन भी करना। मेरा बड़ा क्लोज जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो था मेरा दिल जंगली में आई पे टॉक्सिस फादर पूरी होकर मैं शूट की थी। और उसके बाद गोल्ड की मैंने अक्षय जी के साथ, अभी मैंने फिर एक फिल्म खत्म की उनके साथ, दैट इज मिशन मंगल। तो ये सफर चलता रहा कुछ और दो तीन फिल्में थी इस दौरान, मैंने इंग्लिश की मूवीज भी कुछ शॉर्ट फिल्म यूके में की, तो चलता रहा कुछ सीरियल्स की। वहाँ एक जो बहुत अच्छा हमारा एक सीरियल चल रहा था इंग्लिश चैनल के लिए, दैट आई डिड अबाउट 50-60 एपिसोड्स एज अ सीख, या दैट वाज कमिंग ऑन जिंग टेलीविजन, बट इट वाज अ ब्रिटिश इंग्लिश सीरियल। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन दिनों और एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा। आपके जीवन से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि जिस तरह का फेस जो आपने बताया कि एक ऐसा फेस था जब आप बिल्कुल कैमरा से थे, जैसे जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा लगाव था उससे दूर हो गए, हालांकि आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का, अपनी बेटियों के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा था, लेकिन जब एक और प्रिय चीज़ से आप दूर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो होता ही होगा। जब मैं घर पर होता हूँ बॉम्बे में, यहाँ कोई फोन कॉल ना आए तो जस्ट फील के नहीं आई थिंक आई शुड गो बैक। सो फिर आप जैसे लोग शुभचिंतक दोस्त ये घर वाले, क्या यार मतलब एक फोन नहीं आया तो घबरा गया। सो दिस कैरीज मी ऑन, टिक मैं अभी 6 महीने हो गए मुझे यहाँ, ईश्वर की दया से ठीक ठाक चल रहा है सब, बट जाता नहीं हूँ कहीं काम मांगने। उनको पता है कि मैं यहाँ हूँ तो पूछ रहे थे कि कुछ करोगे, ठीक है करेंगे। जिस शक्ति की आप बात करते हैं, ये निश्चित तौर पर आपको अपने परिवार से मिलती है, अपने शुभचिंतकों अपने दोस्तों से मिलती होगी, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो तो आपके ही अंदर छिपी है। बिल्कुल। और वो कौन सी चीज है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं? देखिए ऑफ कोर्स परिवार का तो मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ किया है यहाँ 6 महीने से मैं रह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपसे कहा भी था कि मेरे बच्चों ने मुझे मेरा टाइम वापस दिया है। वो ये तो नहीं दे सकते कि मैं 14-15 साल को मुझे वापस दे सकते, लेकिन उन्होंने कहा पापा डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, या तो ना। लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं यहाँ जो कि मेरे बहुत पुराने आकाशवाणी के दोस्त हैं, इस वक्त यहाँ और लंदन के कुछ दोस्त हैं जो 25 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। वो जिस तरह से मुझे टेलीफोन पर और बाई टेक्स्ट एनकरेज करते हैं, कहते हैं कि आपकी खुशी आपके अंदर है उसे निकालिए, आपका दुख भी आपके अंदर है उसको बोल जाइए, सो योर हैप्पीनेस इज विद इन यू। तो आप ये सोच के चलिए ना आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा होगा, सुबह उठिए ईश्वर को याद कीजिए, कहिए बस जो कुछ भी होगा तेरी कृपा से होगा, बाकी देखिए। अगर हम आपके पूरे सफर पर नजर डालें जी, और जब आप मुड़कर पीछे देखते हैं, तो व्हाट इज द बिगेस्ट सक्सेस दैट यू सी? बिगेस्ट सक्सेस जो मेरी आप कहेंगे तो मेरी आकाशवाणी का बात रहा। आई वर्क देयर एज अ अनाउंसर इन टॉमाज फॉर 23 ईयर्स। वो जो दौर मैंने देखा है सक्सेस का, वो हर कोई नहीं देख सकता। मतलब एक अजीब सा ऑरा था हमारा, आकाशवाणी में जाना घूमना फिरना, स्टूडियो से स्टूडियो से उतर फिर भारत भी कर रहे हैं, ESG कर रहे हैं, दिल्ली स्टेशन कर रहे हैं, फिर टेलीविजन में कर रहे हैं। यहाँ इसी जगह पर एक वो हुआ करता था टेलीविजन, क्या बोलते हैं उसका, सेटेलाइट टेलीविजन, उसमें फिर मैंने शुरुआत की। दैट वाज इन अर्ली 80s। तो वहाँ कई प्रोग्राम्स करता था, एंकरिंग करता था। तो वो जो दौर था मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत था, और मेरी बिकॉज आई वाज यंग, अब शायद वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी करने की विलिंगनेस नहीं है मे बी, इसलिए उसमें भाग दौड़ करते थे। इसलिए कहना कहते तुझे फलाना याद कर रहे, भाग रहे मेरे पास, ये सर बताइए ये करोगे, हाँ करेंगे। सो दैट वॉज द थिंग, दैट वॉज द बिगेस्ट टाइम इन माई लाइफ, ग्रेटेस्ट टाइम इन माई लाइफ। दैट इज द ग्रेटेस्ट टाइम इन योर लाइफ। एंड When I speak to you, what I find the greatest thing about you is your humility, is your modesty. Thank you very much. इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप जमीन से जुड़े हैं, अपने देश से जुड़े हैं। कहता हूँ कि हर इंसान को जमीन से जुड़े रहना चाहिए। कामयाबी ना कामयाबी ये ऊपर वाले की देना, आप काम करते रहिए। देखिए किसी को अच्छा बुरा कहकर कोई लाभ नहीं है। So be a good human. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मान सम्मान दिया, और शुक्रिया मेरे दर्शकों का जिन्होंने मुझे देखा और सराहा और मुझे मौका दिया कि मैं उनको सर्व करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
तो कैसा लगा गुड इवनिंग इंडिया का आज का ये अंक, हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com। और इसी के साथ मैं सत्यप्रिया आप सबसे लेती हूँ विदा। नमस्कार। मैं तो क्या सी राणे सनी नु सवेरे भी टेक्स्ट किया शोर शोर तक पता नहीं पता नहीं मम्मी ने भी क्या सी। दूरदर्शन केंद्र दिल्ली के अंतर्गत संगीत और नृत्य अनुभाग वर्ष 2019 के लिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य परीक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन पत्र 3 जून 2019 से 15 जुलाई 2019